नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है चार्ट ऑफ द वीक वीडियो में। दोस्तों, अगर निफ्टी 16,700 के ऊपर सस्टेन हो जाता है मंडे के दिन, तो हमें और भी आगे निफ्टी के लेवल और मार्केट में और भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। पर डिपेंड ये करता है कि 16,700 के ऊपर हमें एक अच्छी बुलिश क्लोजिंग मिलनी चाहिए, फिर हमें आगे फर्दर वापस 17,000 और 17,000 के ऊपर भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं पहले लास्ट वीक का जो चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक हमने डिस्कस किया था, एस्टर डीएम हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का ये स्टॉक डिस्कस किया था, इसमें देखिए ये उससे पहले क्लोजिंग थी 188 पर और 185 तक आपको यहाँ पर इंटर करने का चांस मिला और स्टॉक गया 204 तक। तो अभी भी आप इसमें होल्ड कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप इसका अगर डेली का चार्ट भी देखें तो आप देखोगे कि यही भी 195 के लेवल के आसपास अभी घूम रहा है। और अगर आप इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो आप इसमें स्टॉप लॉस ये रख सकते हो कि ये देखिए, ये अगर 180 के नीचे अगर वहां पर क्लोजिंग देता है, 180 के नीचे एक बीरिश कैंडल बनता है उसके नीचे क्लोजिंग देता है, तब आप इसमें एग्जिट कीजिए। तो इसलिए 180 के क्लोजिंग बेस पर इस पे स्टॉप लॉस रखकर आप इसको कंटिन्यू होल्ड कीजिए। आज दोस्तों आपके साथ दो स्टॉक डिस्कस करूंगा और दोनों स्टॉक्स में है मल्टी वैगर बनने का दम। जो मल्टी वैगर आज के जो प्राइस से भी मल्टी वैगर बन सकते हैं, जैसे फर्स्ट स्टॉक है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। तो इस स्टॉक के फंडामेंटल काफी अच्छे हैं, ये अभी लिस्टेड हुआ था अभी हाल ही में यहाँ पर मार्च 2021 में। तो तब से ये देखिए कि ये देखिए 200 के लेवल पर से देखिए कंटिन्यू चलता जा रहा है और आज 420 के ऊपर यहाँ पर इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। ये तो है इसका डेली का चार्ट। एक बार आप वीकली का चार्ट भी देखेंगे तो वीकली के चार्ट पर मैं आपको इसलिए नहीं समझा रहा, इसका एक डेली का चार्ट पे आपको समझाऊंगा। तो वीकली के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है, और डेली के चार्ट पर आप देखोगे तो देखिए अभी यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप में जो एक करेक्शन आई थी, ये स्टॉक भी थोड़ा नीचे आया, बट फिर से इसमें देखिए ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट देखिए इसमें कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि हमने यहाँ पर स्क्रीन को बड़ा कर दिया, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक यहाँ पर देखिए इस शेप में स्टॉक या जिसको राउंडिंग पैटर्न भी कह सकते हैं, बट कंप्लीट नहीं बना। बट फिर भी आप ये देख सकते हैं कि ये स्टॉक करेक्शन दिया और फिर स्टॉक ने देखिए ब्रेकआउट, आप इस ट्रेंड लाइन की हेल्प से भी ये देखिए यहीं पर इसने ब्रेकआउट दे दिया था थर्सडे वाले दिन ही। तो यहाँ पर इस देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और इसके ऊपर क्लोजिंग मिली और यहाँ से स्टॉक फिर देखिए एक पूरी बुलिश मारुवाजू कैंडल यहाँ पर फ्राइडे को बन गई। और अगर कंटिन्यू आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम भी काफी इंक्रीज है। और आप देखोगे देखिए अगर आपने करेक्शन और एक डाउनफॉल को आइडेंटिफाई करना है तो आप देखोगे कि ये देखिए ये जो करेक्शन था इसमें बिल्कुल वॉल्यूम कम थे, तो वॉल्यूम बिल्कुल लो हो गए थे, और जब स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब स्टॉक में अभी भी अप ट्रेंड है। और ये जो देखिए ये जो मूविंग एवरेज है, ये 21 डेज की मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर जब तक स्टॉक है तब तक आपको कोई घबराने की चिंता नहीं। और दूसरा दोस्तों, जो मल्टी वैगर स्टॉक होते हैं उनकी यही एक पहचान होती है कि वो आपको थोड़ी सी करेक्शन देंगे फिर वो स्टॉक एकदम से सडनली फास्ट भागना स्टार्ट कर देंगे। जब वो करेक्शन देते हैं तो आप थोड़ा पैनिक हो जाते हो, फिर आप कई बार जल्दबाजी में बेच देते हो, फिर आप देखते हो कि फिर स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और आप ये भी देख सकते हो कि जब ये 21 डेज के आसपास स्लो हो जाता है फिर से इसमें एक फास्ट मूव आता है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा इसमें लगे तो इसमें आप मूविंग एवरेज जरूर लगा लीजिए 21 डेज की। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर करेक्शन भी आती है थोड़ी बहुत तो उसमें आपको घबराने की चिंता नहीं, करेक्शन में भी इसको थोड़ा स्मॉल स्मॉल बाय कीजिए। और इसमें बड़े टारगेट के लिए आपको होल्ड करना चाहिए, कम से कम यहाँ से स्टॉक डबल 800 1 1000 तक के आपको टारगेट एटलीस्ट इसमें जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आप इसमें थोड़ा सा नजरिया अगर 1 ईयर तक भी नहीं रखते हैं, अगर आप 6 मंथ 1 ईयर के बीच बीच में रखते हो तब भी इसमें आपको बड़े बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। और मैं अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं कि जिनमें जिनको अगर शॉर्ट टर्म में बिल्कुल एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ, तो आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा यहाँ पर 340 के नीचे क्लोजिंग पे, इसके नीचे जाते हैं तो एक टाइट स्टॉप लॉस ये है कि आप इसके नीचे एग्जिट कर सकते हो। टारगेट की बात करें तो नियरेस्ट तो ये 444 तो बिल्कुल नियरेस्ट का टारगेट है, आप यहाँ पर 494 और 550 के टारगेट तक इसमें जा सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। दूसरा स्टॉक दोस्तों है, ये भी काफी अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है, हिंदुस्तान एरोनेट। ये भी एक लार्ज कैप अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है और इसकी आप डीप में स्टडी आप जरूर कर सकते हो, स्क्रीन और डॉट इन पे भी कर सकते हो। इसमें अगर हम वीकली चार्ट पर देखें तो आप देखोगे कि इसमें भी
यहां पर लास्ट वीक में काफी अच्छा यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला। साथ में मैं आपको ये डिस्क्लेमर भी दे दूं कि ये हमने अपने जो व्हाट्सएप मेंबर हैं उनको ऑलरेडी ये 1260 और 70 के बीच में ये बाइंग करवाई थी और आज की डेट में स्टॉक 1400 के लेवल तक टच कर गया। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल में देख सकते हो, वहां पर मैंने स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर किया हुआ है। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री टेलीग्राम चैनल है उस पर लिंक पर क्लिक कर आप भी वहां पर लाइव मार्केट में लाइव वहां पर कॉल्स और लाइव अपडेट का फायदा उठा सकते हो। और मैं आपको एक बार इसका डेली का चार्ट बता देता हूँ कि मैंने वहां पर कैसे इसमें बाइंग आइडेंटिफाई किया था। तो यहाँ पर जैसे ये ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका था और ये यहाँ पर 25 अगस्त को ये देखिए यहाँ पर इसने इसके लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया था डेली के चार्ट पर, और फिर हमने यहाँ पर 26 अगस्त में इसमें बाइंग की थी 1260 के पास। और आप इसका देख लीजिए वीकली चार्ट एक बार फिर से देखोगे तो ये देखिए अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इसका जो हाई है ये देखिए 1430 के आसपास आई है। तो ये 1430 इसमें ब्रेकआउट होगा तो इसमें और भी आगे बड़े लेवल देखोगे। और अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें एक तरह का ये राउंडिंग पैटर्न भी बन रहा है। अब आप इसमें ये देखिए क्लियर देख सकते हैं कि वीकली चार्ट पर ये राउंडिंग पैटर्न आपके साथ बन रहा है इसमें ये देखिए, और बिल्कुल खूबसूरत चार्ट है इसका। तो इस स्टॉक में भी अगर आप डिप्स में भी यहाँ पर मिलता है आपको इनकेस 1200 के आसपास के लेवल पर भी मिलता है तब भी आपको घबराना नहीं है, इसमें आप डिप्स में भी बाय कर सकते हो और इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी आप होल्ड कर सकते हो। इसमें आपको बड़े बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे, इसमें भी आपको ये 1800 2000 तक के टारगेट की भी आप इसमें वेट कर सकते हो। जो दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक स्टॉक है वो एक आप देख सकते हो कि वो एक स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक भी है, और केमिकल स्टॉक्स में आपने देखा होगा काफी बड़ी रैली देखने को मिलती है और वो मोस्टली सारे स्टॉक वहां पर मल्टीवैगर जरूर बनते हैं जिनमें अच्छा फंडामेंटल हो। अगर आप यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक का यहाँ पर एक ब्री में फंडामेंटल देखना चाहते हैं तो देखिए इसका 11,000 का मार्केट कैप है, मार्केट कैप इसका लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। और इंडस्ट्री स्पेशल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फोकस ऑन टू की बिजनेस सेगमेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसमें रीड कर सकते हो। और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और सीजीआर देखिए 36.77 का देखिए इसमें सीजीआर है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें है मल्टी बैगर बनने का दम, इसको लीजिए होल्ड कीजिए और करेक्शन में भी डिप्स में भी बाय कीजिए और लगातार आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखोगे तो एवरी यहाँ पर ईयर ये देखोगे ईयरली ये प्रॉफिट है, ईयरली देखिए कैसे इंक्रीज हो रहा है। लास्ट ईयर जो 70 था और अब 127 करोड़ का इसमें प्रॉफिट जम देखने को मिल रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग भी यहाँ पर काफी अच्छी है। जो दूसरा स्टॉक है HAL हिंदुस्तान एरोनेट्स, तो ये भी आप देखोगे कि इनका जो काम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर एंड रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड, तो आप देखोगे कि ये स्टॉक पहले क्यों नहीं चला जैसे मैंने आपके साथ चार्ट पर आपने देखा होगा। अब इसमें भी आप ये देखिए ये डाउनफॉल था और ये बीच में ये करेक्शन है, क्योंकि करेक्शन में क्या होता है वॉल्यूम बिल्कुल लो होती है और जब कई बार डाउनफॉल बड़ा आना होता है मूव नीचे की साइड में तब आप ये देखोगे कि यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा थे, यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा थे इसलिए स्टॉक में डाउन मूव ज्यादा आया था। तो कभी भी आपने अगर देखना है अगर वॉल्यूम साथ के साथ इंक्रीज हो रहे हैं डाउन साइड में भी रेड कैंडल में भी फिर वहां पे आपको इमीडिएटली एग्जिट करना होता है। तो ये देखिए ये इसलिए आया था यहाँ पर आप देख सकते हो। और इस स्टॉक में एक खास बात आप देखोगे कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो प्रमोटर के पास 75% के करीब है और सिर्फ पब्लिक के पास देखिए 3.33 है, बाकी देखिए DIs ले चुके हैं सारा 20, जैसे ही थोड़ा इसमें डिप्स मिलता है तो DIs इसमें लेने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, क्योंकि आप देखोगे जून 2020 में उनके पास DIs के पास था 8.69 और आज की डेट में 20% से ऊपर हो चुका है। तो इस स्टॉक को भी लीजिए करेक्शन में लीजिए, बड़े टारगेट के लिए इसमें वेट कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आप को अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना तभी आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए फायदा उठाइए। कोई आपकी राय हो सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।